सो हेलो गाइस, ये है मेरा K20 Pro और इसमें आज मैंने इंस्टॉल किया है Lineage OS 17 जो कि Android 10 बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये OS कैसा है। तो काफ़ी फेमिलियर लुक आपको मिल रहा होगा स्टॉक एंड्रॉयड से। तो ये हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, सब कुछ सही है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर में मुझे एक बात थोड़ी सी अजीब लगी कि हर रॉम में मैंने देखा है कि स्कैनर जो है वो ब्राइट होता है, स्क्रीन नॉर्मल रहता है, वो कुछ सेकंड के लिए ब्राइट होके फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूरा जो स्क्रीन है वही पूरा ब्राइट हो गया और वो भी धीरे 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 फिर नॉर्मल आया। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अलग है दूसरे OS से। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें स्टॉक पिक्सल का लॉन्चर जो है वो हमें इसमें नहीं दिखता है। तो इसमें Lineage OS का अपना लॉन्चर होता है और यहाँ पे ये डायलर है, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे डायलर भी एकदम अच्छे से ही काम करता है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कॉलिंग फीचर है इसका तो वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, एक जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ वो है वोल्टी कॉल जो हम लोग करते हैं इस मोबाइल से, इस रॉम से, तो क्या होता है यहाँ पे कॉल तो लग जाता है लेकिन जो उस दूसरे साइड में उसको कैमरे में कुछ दिखता नहीं है, उसको स्क्रीन में कुछ दिखता नहीं है, पूरा काला आता है। तो ये फीचर जो है उसका ब्रोकन है अभी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम लगा वो है कि ये म्यूज़िक प्लेयर चल गया। अच्छा, कहाँ गया वो ऐप, ये रहा ईमेल, ये ईमेल ऐप पूरी तरह से ब्रोकन है, नहीं चलता। आप देख सकते होंगे ये वाला एकदम बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगा, बाकी इसमें कुछ वैसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है। तो कैमरा रिलेटेड वैसे एस सच कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ पे हम लोगों को नेटवर्क्स एंड इंटरनेट भी मिल जाएंगे, वोडाफोन जियो, वाईफाई पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता है इस रॉम पे। फिर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पे दो ही वर्क हॉटस्पॉट अच्छे से काम करता है इस पूरे रॉम में। फिर कनेक्टेड डिवाइस ब्लूटूथ अच्छे से काम करता है यहाँ पे। बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप मुझे मिल रहा है इसमें, अभी भी 35% है और आप यहाँ पे देख सकते हैं शुड लास्ट अबाउट 1:30 PM, तो अभी टाइम है 11:15 PM, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे एडाप्टिव ब्राइटनेस है मिलता है हम लोगों को। फिर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में हम लोग अगर जाए तो ग्रेट साइज पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लॉक में यहाँ पे हमें चार ऑप्शन मिलते हैं और स्टाइल जो है एंड्रॉयड 10 के बेस्ड है, वो स्टाइल्स आइकन, साइज, शेप, स्टाइल सब कुछ हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन सेवर हम लोगों को काफ़ी कुछ दिखता है, जैसे फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कलर, नेचुरल बूस्टेड एंड एडाप्टिव ये भी यहाँ पे है। एम्बियंट डिस्प्ले एकदम प्रॉपरली यहाँ पे काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज ऑन भी हम लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और पिकअप हैंड और पॉकेट मोड में भी मैं ऑलवेज ऑन रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये मूव नहीं करता इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो ये एमोलेड स्क्रीन बर्निंग इशू हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये यूज़ करना। लेकिन ये बाकी तीन ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो ये एंटी फ्लिकर मोड यहाँ पे है, अब डिस्प्ले के सेक्शन में जाके ये रहा लास्ट ऑप्शन है एंटी फ्लिकर मोड। यहाँ पे साउंड में हम लोग जाके देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे साउंड एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग साउंड सब कुछ है, डायरेक्ट साउंड जो है वो यहाँ पे मुझे अभी ब्रोकन दिख रहा है। तो ये हम लोग साउंड में गए, एडवांस में गए, तो यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे तो ये देखिए काम नहीं करता है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाकी स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छा ही मिल रहा है यहाँ पे, वैसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। डिजिटल भी है, मिलता है हम लोगों को, काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। फिर यहाँ पे हम लोग अगर आ जाए सिस्टम में, तो सिस्टम में हमें काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे फ्रंट कैमरा एंड साउंड इफेक्ट्स मिलता है, बटन्स के काफ़ी कुछ मिलता है हम लोगों को, पावर बटन, एंड कॉल कर सकते हैं हम लोग पावर बटन को दबा के, ये सब। फिर हम लोग अगर स्टेटस बार में आ जाए तो क्विक फुल नोटिफिकेशन है, सिस्टम आइकन में हम लोग क्या क्या आइकन चाहते हैं स्टेटस बार में वो हम लोग को यहाँ पर दिख पाता है, क्लॉक का पोजिशन सेंटर ये अच्छे से हम लोग सेट कर पाएंगे, जैसे सेंटर में अभी राइट में कर सकता हूँ मैं, फिर से मैंने सेंटर में कर दिया, हम लोग लेफ्ट में भी कर सकते हैं।
तो ये एक है बैटरी जो मैंने देखा अभी बैटरी स्टाइल, तो बैटरी स्टाइल में दिख तो रहा है सर्कल टेक्स्ट लेकिन कोई कुछ काम नहीं करता है यहाँ पे। आप यहाँ पे चेंज तो कर सकते हैं सर्कल में लेकिन यहाँ सर्कल होता नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट ही आइकन रह जाता है। और परसेंटेज जो है वो स्टेटस बार पे अभी तक दिखाता नहीं है। ब्राइटनेस स्लाइडर और ये जो स्टेटस बार से जो ब्राइटनेस यहाँ से जो बढ़ता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो वो अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अपडेटर हम लोगों को दिया गया है, ये फ़िलहाल ये अनऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल वर्जन अभी तक आया नहीं है इसका, तो बैकअप अभी हम लोगों का ऑन है यहाँ पे। तो ये है पूरा OS, इसका परफॉर्मेंस रिलेटेड भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है, आप सभी देख सकते हो। ये आप देख लीजिए, ये फाइल्स FM फिर क्लॉक, काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है। फिर Gmail, कोई लैग वैसे कुछ नहीं है, रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे सभी कुछ काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है इस पूरे रॉम का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो है इस रॉम में लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो है वोल्टी कॉल में इसका फ्रंट कैमरा जो पॉपअप बाहर आता है वो कभी कभी अंदर नहीं जाता, तो ये एक प्रॉब्लम है। कैमरा में ये सच वो प्रॉब्लम नहीं दिखता लेकिन वोल्टी कॉल्स में तो दिखता है, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ। तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है इस रॉम में लेकिन ओवरऑल ये रॉम मुझे स्टेबल ही लग रहा है। मतलब अनऑफिशियल वर्जन में तो थोड़े बग्स तो रहेंगे लेकिन एज सच क्रैशिंग का कोई इशू नहीं है। बीच में मुझे लगा दो तीन बार यूट्यूब या कोई मूवी या कुछ वीडियो प्लेबैक के टाइम में कुछ दो तीन सेकेंड्स के लिए फ्रीज कर रहा है लेकिन बाकी परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कोई इशू नहीं होगा परफॉर्मेंस में, सब कुछ बटरी स्मूथ है आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये था हम लोगों का लीनेज OS का रिव्यू। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे बोल सकते हो। और अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करें हमारे K20 Pro में। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को कस्टम रिकवरी लोडेड होना चाहिए हमारे फ़ोन में, TWRP ऑरेंज फॉर रिकवरी। और इस ये जो लीनेज OS 17 है इसका जो zip फाइल है वो आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ आपके पास अगर आप MIUI 11 के लेटेस्ट MIUI 11 से आ रहे हो यहाँ पे तो आपको कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस OpenGL apps का जो सेट होता है वो आपको डाउनलोड करने लेना, जिप फाइल डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। एंड्रॉयड 10 बेस्ड जो होगा, SDK 29 सपोर्टेड, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप कोई दूसरे AOSP रॉम से आ रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो फॉर्मवेयर है और आपका जो वेंडर फाइल है वो लेटेस्ट MIUI 11 का होना चाहिए। तो चलिए इसे कर लेते हैं कस्टम रिकवरी में, ले जाते हैं फ़ोन को। तो ये रहा हम लोगों का फ़ोन हो रहा है बूट, मैं अब यूज़ करूँगा, मैं इस ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मेरा लोडेड है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले वाइप करेंगे डेल्वी कैश सिस्टम डेटा, वेंडर मैं नहीं इसे वाइप करूँगा, तो ये चारों को मैं वाइप कर दूँगा। कर दिया वाइप, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं लीनेज OS 17 इसको मैं फ्लैश करूँगा, तो ये फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मैं फ्लैश करूँगा। तो ये जो zip है ये है मेरे लीनेज OS 17 का अनऑफिशियल zip बिल्ड जो है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वेंडर पहले से एकदम करेक्ट है तो वेंडर फर्मवेयर मुझे अभी फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप MIUI 11 से आ रहे हो तो आपको भी फ्लैश नहीं करना पड़ेगा लेटेस्ट वाले से आ रहे हो तो, लेकिन अगर आप दूसरे किसी रॉम या दूसरे पिछले वर्जन ऑफ MIUI के किसी वर्जन से आ रहे हो तो आपको प्रॉपर वेंडर और फर्मवेयर
फ्लैश करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप कि हम लोगों का हो चुका है ये सक्सेसफुल। तो चलिए बैक कर जाते हैं और अभी हम लोग ओपन जी एप्स जो है तो ये रहा ओपन जी एप्स, इसको हम लोग फ्लैश करेंगे। तो ये शुरू हो चुका है हम लोगों का फ्लैशिंग। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओपन जी एप्स यहाँ पे काफी सारे वर्जन होते हैं इसके, जैसे स्टॉक, फुल, माइक्रो, मिनी। तो मैं इसमें माइक्रो लोड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ना सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर, कम सॉफ्टवेयर, मतलब जो मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है हम लोगों के यूजेज के लिए, बस उतने ही सॉफ्टवेयर इसमें लोडेड होते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी एप्स यहाँ पे लोडेड नहीं होता है। और इसका फ़ायदा यही होता है कि आपको जो जो ऐप इसके बाद चाहिए वो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो, आपके फ़ोन में लोड इससे कम होता है। तो इसलिए मैं हमेशा माइक्रो में स्टॉक प्रेफर नहीं करता। यहाँ पे हम लोगों का हो चुका है, तो चलिए हम लोग होम में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग रिबूट टू सिस्टम कर देते हैं। तो ये हम लोगों का भी सिस्टम रिबूट होगा। देख सकते हो कि लीने जो इसका जो आइकन है वो शो कर रहा है अभी। तो लीने जो इस बूट होना स्टार्ट हो चुका है, ये फर्स्ट बूट है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद के किसी भी बूट में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही फास्ट होता है, एकदम स्मूथ चलता है। तो ये फर्स्ट बूट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए हम लोगों का जो है वो बूट हो चुका है और ये रहा, हमें दिखा रहा है ये हेलो। तो हमें यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, मोबाइल डाटा प्रेफरेंस, जियो जियो जियो, कनेक्ट टू वाईफाई। अब जैसा प्रोसीड्यूर होता है वैसे ही इसमें गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर हम लोग वैसे ओएस में एंटर कर सकते हैं। तो ये था इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपके काम में आया हो, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।